में पनीर सब्जी बनाने के लिए पहले पनीर को तैयार करना पड़ता है। तो पनीर के लिए मैंने 1 लीटर दूध रखा है बॉयल होने के लिए। अभी दूध बॉयल होने के लिए रखा है, गर्म हो रहा है। देखिए बॉयल होने को आ रहा है। तो अभी इसमें 1/4 कप दही मैं डाल रही हूँ। एक 3-4 स्पून लेमन जूस, नींबू का रस डाल रही हूँ दूध फिटाने के लिए। देखिए दूध फट रहा है, कितना अच्छा पनीर रेडी हो गया है। पानी अलग, पनीर अलग, दोनों अलग अलग हो गया है। अभी इसको मैं एक पतला कपड़ा बर्तन पर डाला है, तो उसमें इस पनीर का पानी और पनीर को इसमें डाल रही हूँ। तो इससे क्या होता है, पानी अलग पनीर अलग फिल्टर हो जाता है। देखिए तो इसको ऐसा निकाल के, उसको दबाना नहीं है, ऐसे ही पकड़ के एक बर्तन में बांध के, टाइटली नहीं लूज बांध के ऐसा फैला देना है। देखिए 10 मिनट के लिए ये ऐसा ही रहे, तब तक पनीर सब्जी के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी और हरी धनिया धो के बारीक काट लिया है और ग्रीन मिर्ची, अदरक, कड़ी पत्ता, टमाटर, 2 टमाटर मिक्सी करके लिया है। तो अभी इसको चोंक लगा देंगे। कढ़ाई में 1/2 से भी कम केवी तेल, माना 4 स्पून तेल इसमें डाला है। जीरा, हिंग, कड़ी पत्ता, ग्रीन मिर्ची, अदरक, ये थोड़ा फ्राई करते हैं। फिर इसमें ये मेथी का साग जो काट के रखा है उसको मैं डाल रही हूँ। ये 1 मिनट के लिए अच्छा फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। अभी इसमें टमाटर का जूस डाल रही हूँ, जो मिक्सी करके रखा है टमाटर, उसको डाल रही हूँ। अच्छा इसको मिक्स कर ले लें। अभी इसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 2 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर भी इसमें डालते हैं। देखिए तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा मिक्स हो गया है। ये 1-2 मिनट के लिए ऐसे पकने देते हैं। थोड़ा सा केवी पानी डाल रही हूँ। देखिए 1 लीटर दूध में इतना पनीर निकला है, कितना सॉफ्ट है पनीर। तो इस पनीर को अभी मैं काट लेती हूँ, पीसेस कर लेती हूँ। देखिए ऐसा पीसेस किया है। इस पनीर के पीसेस को मैं इस मसाला में डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेवे। दो मिनट इसको ऐसे ही पकावे।
देखिए पनीर की सब्जी रेडी हो गया है। अभी मैं इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ। देखिए कितना अच्छा पनीर की सब्जी रेडी हो गया है।